लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं, प्रदेश में आप लोगों की सरकार बन चुकी है, अब चुनौती पूरे देश की है। इस वक्त हम सब लोगों को एकमात्र लक्ष्य लगकर आगे बढ़ना है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारी विचारधारा को हम लोग कैसे समर्पित भाव से कामयाबी की सरहद तक पहुंचा सकते हैं। देश भर में जो माहौल निर्मित करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, वो सच्चाई से परे है। जज्बातों पे, भावनाओं पे, प्रचार पे, प्रोपेगेंडा पे, अखबार में, भाषणों से देश विकसित नहीं होता। हमारी सरकार ने जो काम किए इन दो ढाई महीनों में आपके सामने, इससे पहले जब केंद्र में हमारी सरकार थी तब जो काम हुआ आपके सामने, आज जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस को सीट जिताने का एक उद्देश्य नहीं है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, आपसी भाईचारे का जो माहौल है वो बरकरार रह जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज ये नौजवान देश है, इस देश में पिछले 5 सालों में जो हीन भावना पैदा हुई है, आपस में जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, गाय के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर जो बंटवारा हुआ है, आप सब समझदार लोग हो, देखते हो, सुनते हो, विकास कहां है, महंगाई कहां है, रोजगार कहां है, किसान कहां है, उसको छोड़कर आपस में टकराव हो, जहर फैले, द्वेष फैले, इस प्रकार की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे नौजवानों को रोजगार देने के हों, उन मुद्दों पर जवाब देने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब। वो तो सिर्फ भावना की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि सच्चाई जनता तक लेकर जाएंगे। कल हम सब लोग जोधपुर में थे, बीकानेर में थे, नागौर में थे, उससे पहले सभाएं करी, आज भी आपके बीच में आए, लगातार जनता के बीच में जाकर जो हकीकत है उसको बयां कर रहे हैं। भाषण देकर वोट लेना चाहते हैं, इन लोगों से सतर्क रहना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जिस भी किसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाए, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि 36 कौम के लोग, हमेशा से आपने जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमारी पार्टी को जिताएं, हमारे उम्मीदवार को जिताएं। आपका स्नेह, आपका प्यार जो पहले मिलता रहा वो भविष्य में मिलता रहेगा, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है, पीट पीट के सड़क पे दिन दहाड़े लोगों को मारा जा रहा है और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये जो माहौल बना है ये हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आने वाले समय में ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे। लोकसभा में आप लोगों का सेवक बनकर काम करने का मौका मुझे भी मिला है। इस क्षेत्र में सिकराय, दौसा, बांदीपुर, राजकोट, होगा, हर क्षेत्र से आप लोगों ने बहुत प्यार मान देते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से हमको सम्मान नहीं मिलता। तो मैंने निर्णय लिया कि इस चुनाव के बाद जो चंदेरी विधानसभा के टॉप 5 पोलिंग रहेंगे, उस पोलिंग के कार्यकर्ताओं को ऐसा ही हम सम्मेलन करेंगे ब्लॉक वाइज, और उस ब्लॉक में अगर कोई टॉप 5 के पोलिंग है तो उस पोलिंग के कार्यकर्ता को हम मंच पर बैठाएंगे। श्रीमान सिंधिया, अभी तालियां कम बनी। अभी तालियां कम बनी। अब मेरे मीडिया के लोग फिल्म कर रहे हैं, सिंधिया ने कहा तालियां कम बजी। अब मैं बताता हूं तालियां कम क्यों, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता सोच रहा है उनको तो मंच पे बैठाया जाएगा, पर मंच पे यही लोग घोड़ बनाए रखेंगे। मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि मंच पर केवल पोलिंग का कार्यकर्ता बैठेगा, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, विधायक जी हो, चाहे सांसद हो, हम लोग फर्श पे जमीन पे बैठेंगे। और मंच पे उस टॉप वाले का पोलिंग का कार्यकर्ता बैठकर हम सब लोग को, ब्लॉक अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, पूर्व विधायक जी को, वर्तमान के विधायक जी को, सांसद को प्रशिक्षण लेंगे कि सुनिए ना, हम बताते हैं आपको हमने कैसे पोलिंग दिखाया, और हम बैठ के सुनेंगे आपकी बात।
जमीन पर स्वीकार है। तो ये घोषणा करने में तो मैं लड़ाई वहां लड़ रहा हूं, यहां कौन लड़ाई लड़ेगा? अभी जो सही है कौन लड़ाई लड़ेगा? और क्यों? इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की शक्ति केवल इस शरीर में नहीं है, आप सब में है। ये समय है, जिस तरीके से आप लोगों ने शिवराज सिंह जी की बोरी बिस्तर बांध के रवाना कर दी, इस बार मोदी